हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एम रेलवे में आज मैं बात करूंगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2021 जो वैकेंसीज आई है उनके बारे में 250 प्लस वैकेंसी है बट इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पे सारे लोग एलिजिबल है ठीक है मतलब जो कॉमन क्राइटेरिया होता है नॉर्मल किसी एग्जाम का ग्रेजुएशन ट्वेल्थ एंड ऑल वही रखा गया है बाकी अगर हम पोस्ट देखें तो उसमें उन लोगों ने अलग अलग डिग्री मांग रखी है कहीं पर एक्सपीरियंस मांग रखा है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी uh, uh, जो होती उसके बारे में बात करूंगी एंड कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी वाला तो वीडियो में एक सेपरेट बना दूंगी बट किस तरह से पढ़ना है ऑल मैं बता दूंगी ठीक है सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एंड ऑल सब कुछ हम देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्म फिलअप का डेट हो गया है तेरह अक्टूबर से पहले ये सात अक्टूबर था बट अभी तेरह अक्टूबर से ये रिवाइज कर दिया इन्होंने क्योंकि इनका इन्हों थोड़ा सा इशू हो रहा था वेबसाइट पे तेरह अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है अपना फॉर्म फिलअप करना और लास्ट डेट इन्होंने रखी है बारह नवम्बर ठीक है बारह नवंबर तो बारह नवंबर से पहले पहले फॉर्म फिलअप कर देना है और इसका फीस वगैरह मैं बता दूंगी आगे तो देखो इसमें जो तीन पोस्ट है ठीक है तीन जो पोस्ट है जो की है हमारा पहला वाला तो असिस्टेंट वाला पोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये पोस्ट के लिए सारे के सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो एलिजिबल है इसमें थर्टी थ्री वैकेंसीज है ठीक है कितने वैकेंसी है थर्टी थ्री वैकेंसी है कैसे होगा तो मैं बस आपको एक बात कहना चाहूंगी आपको आपकी एक सीट लेनी है और अगर आप कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट इनफ है कि भाई हो ही जाएगा यू you नो know, कि बस मैं अब एक यू नो लास्ट स्टेज में हूँ अब मैंने पढ़ रखा है सब कुछ अब जस्ट रिविजन करने की बात है एग्जाम और 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 uh, तो मैं मैं आपको कि कि थोड़ा अपने पे भरोसा ये फिल अप कर दीजिए दीजिए क्योंकि के के भी बहुत सारे बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी, especially DFCCL के बच्चों को कि DFCCL में जो आपने गलती कर रखी है जितने कम मार्क्स वगैरह आए है मैटर राइट नाउ मैं कहूंगी कि आप अब थोड़ा सा अपने आपको देन है जो देखो जो असिस्टेंट है पोस्ट कोड टेन उसमें तीस साल का क्राइटेरिया रखा गया है अगर आप तीस साल के नीचे नीचे है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ग्रेजुएशन इतना मांग रखा है ज्यादा इससे कुछ मांग नहीं रखा है नहीं आपको एक्सपीरियंस मांग रखा है ना कुछ ठीक है देन आता है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर फोर्टीन जिसमें आपका एज जो है वो पच्चीस साल मांग रखा है अगर पच्चीस साल से आप ऊपर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पच्चीस साल के नीचे हो तो एलिजिबल हो बट यहाँ पे क्या कहा गया ट्वेल्थ होना जरूरी है आपका ट्वेल्थ अगर आपका है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो और इक्विवेलेंट जो भी होता है ट्वेल्थ से इक्विवेलेंट वगैरह जो भी है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो ठीक इस है इसमें कितनी वैकेंसी वैकेंसी है है तीन ही तो जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट इनफ होगे उतना ज्यादा आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करना अदरवाइज मैं इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं कहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई लेवल पे है देन है पर्सनल असिस्टेंट तो पर्सनल असिस्टेंट का भी एज जो क्राइटेरिया रखा है इन्होंने एज लिमिट रखी है तीस साल एंड uh, इसमें इन्हों, इन्होंने एजुकेशन रखा है ग्रेजुएशन और वैकेंसी कितनी है, 19 vacancy, vacancy, है इसमें. Uh, तो देखो इन्होंने एग्जाम होगा टेस्ट और मैं गारंटी देती हूँ जिस तरह से डी एस का प्रोसीजर फास्ट में हुआ है उसी तरह से इसका भी प्रोसीजर बहुत ज्यादा जल्दी होगा सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है तो थोड़ा सा आप ना पेपर में काइंड ऑफ यू नो बदल uh, क्या कहेंगे उसको चेंजेस देख सकते हो जैसे कि डीएफसी सेल में हुआ है कि भाई वो कुछ ना कुछ एक सरप्राइजिंग um, एलिमेंट डाल देंगे तो वो वैसा होगा ही और वो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए नहीं सबके लिए होगा तो डोंट वरी जस्ट मैं जितना कहूंगी उतना उतना आपने आपने फोकस करना है उतना आपने पढ़ना है ठीक है देन जो पर्सनल पर्सनल असिस्टेंट है क्योंकि इसमें देखो इसका सैलरी भी ज्यादा है और ये थोड़ा सा हाई लेवल पे भी, भी आता है एक ये जो पोस्ट है स्पेशली पर्सनल असिस्टेंट वाला तो इसमें आपका सीबीटी तो होगा ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ही साथ में आपका प्रोफिशेंसी इन शॉर्ट हैंड एटी वर्ड पर मिनट का होगा और टाइपिंग में इन्होंने फोर्टी फोर्टी वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांग रखा है ठीक है इंग्लिश का ये मांग रखा है और हिंदी के लिए ना थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट मांग रखा है ठीक है हिंदी के लिए ये जान लीजिए ये बात जिनका भी टाइपिंग वगैरह है तो उन्होंने पर्सनल असिस्टेंट असिस्टेंट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर देना है ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है ठीक है जब इसका टेस्ट होगा बस वो टेस्ट दे देना है ओके अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है असिस्टेंट का जो है या फिर जूनियर असिस्टेंट का है तो इसका पी भी जो पेपर हुआ था जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने सिलेबस निकाल रखा है इस साल उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है तो कुछ चेंजेस होंगे एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंजेस नहीं होंगे डोंट वरी तो जिसमें देखो जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चंस है ठीक है हर, हर एक क्वेश्चन जो है वो फोर मार्क्स के लिए है ये भी जान लीजिए हर एक क्वेश्चन जो है पिछले साल के हिसाब से मैं बता रही हूँ अभी इसका जब अपडेट होगा वो भी मैं बता दूंगी आपको डोंट वरी हम उसके वेबसाइट पे पहले से ही नजर गड़ाए हुए हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट वाली वो हम बता देंगे तो फोर मार्क्स के लिए है और वन फोर्थ क्या है आपकी निगेटिव मार्किंग है क्या है निगेटिव मार्किंग है तो देखो जनरल इंटेलिजेंस में बीस क्वेश्चन आएंगे आपके क्वांटिटिटिव एप्टीट्यूड में बीस क्वेश्चन आएंगे ठीक है बीस क्वेश्चन आएंगे देन इंग्लिश लैंग्वेज में पंद्रह क्वेश्चन होंगे कितने होंगे पंद्रह क्वेश्चन देन जनरल अवेयरनेस में पच्चीस क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल अवेयरनेस अच्छा करके जाओ मतलब लाइक जनरल अवेयरनेस छोड़ना ही नहीं है और जिस तरह से मैं पेपर पैटर्न देख रही हूँ अभी हिस्ट्री में इन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस कर रखा है और हिस्ट्री में भी बहुत डीप जाकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है हिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो मैं बताऊंगी किस तरह से क्या करना है कंप्यूटर लिटरेसी के दस क्वेश्चन आएंगे ठीक है दस क्वेश्चन आएंगे और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल फंक्शन इनिशिएटिव जिस तरह से हमने डीएफसी सेल के बारे में पढ़ रखा है ना उस तरह से इसके बारे में पढ़ना है तो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे 10 ही क्वेश्चन आएंगे सॉरी 10 मार्क के लिए आई एम सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे इसके तो मैं सबसे पहले एफएससीआई का ही सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है मैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी आप नोट्स बनाते रहिए मैं यहाँ पर आप, आपको लिख, लिखते लिखते बता दूंगी किस तरह से क्या है ऑन ऑल तो आप जो है अपने नोट्स 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 बना ठीक है है बनाना जरूरी है इस बार प्लीज ज्यादा ज्यादा से जादर रिवीजन करना जरूरी है तो कल से जो है हमारा ये वाला चैप्टर या, या ये वाला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा जो दस क्वेश्चंस के लिए है एंड इसमें जितना यू नो जितना मैं दूंगी उतना ही करना उससे ज्यादा करना ही नहीं क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो ना इज इट इनफ ठीक है तो जितना जरूरी है लाइक like, अगर दस क्वेश्चन है तो दस क्वेश्चन में से अपने छह क्वेश्चन भी बन रहे हैं मोर देन इनफ ग्रेटफुल फॉर दैट ठीक है ज्यादा ऐसे ना लालच नहीं करनी एग्जाम में वो बच्चे पास होते हैं जो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट राइट करके आते हैं वो बच्चे वो बच्चे तो देखो जो हंड्रेड परसेंट राइट करके आते हैं तो वो तो अल्टीमेटली टॉपर है बट आप भी सीट लेकर जाओगे अगर आप सेवेंटी परसेंट भी राइट करके आओगे समझ में आ रहा है मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है 60 to 70 पूरा अच्छे से पहले तो पढ़ ही लो 100 ही लो ठीक है पढ़ ही इतना ज़्यादा करो उसका कि उससे क्वेश्चन तो और मैं आपको गारंटी देती हूँ जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट बहुत ही सॉलिड कर लेते हो तो आपकी पोस्ट निकलेगी ही निकलेगी पूछ पूरी डीएफसीएल के बच्चों ने वैसे ही किया था और बहुत सारे बच्चों का जो है रिजल्ट आएगा भी क्योंकि मुझे दिख रहा है उस तरह से ठीक है तो जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि ये तीन पोस्ट के लिए मैं पढ़ाऊंगी पढ़ाना शुरू करूंगी और जिसमें फूड जो FSSAI के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है दस क्वेश्चन जो आएंगे उसके बारे में कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने जितने भी फ्रेंड्स है जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बता देना और कल मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगी किस तरह से आपको टैकल कर रहा है क्योंकि डीएफसी चैनल का भी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था उसी हिसाब से लोगों ने पढ़ाई की और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए है एटी फाइव प्लस नाइनटी प्लस तो हिसाब से कीजिए बच्चों ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज की प्रिवाइज़िंग थैंक थी